आयुर्वेद चिकित्सा का जब भी ख्याल किसी को आता है या आयुर्वेद चिकित्सा का जब वर्णन होता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना पंचकर्म के इस चिकित्सा को संपूर्ण माने। नमस्कार, मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आज इसी विषय पर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नया विषय लेके, और जिसका कि मैंने अभी ये बताया कि पंचकर्म। तो पंचकर्म में आज हम बात करेंगे विरेचन की। विरेचन क्या होता है, क्यों यह जरूरी है, किस मौसम में यह करवाना चाहिए, और यह सब जो है वो पंचकर्म में समाहित है। तो जैसे मैंने पिछली अपने चलचित्र में आपको बताया था कि ये शरद ऋतु है, और शरद ऋतु में जो है वो पित्त का प्रकोप होता है, पित्त अपने पूरे गुस्से में होता है। तो इस पित्त के प्रकोप से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस शरद ऋतु में पंचकर्म में वर्णित जो विरेचन चिकित्सा है उसका जो है वो हम पालन करते हैं और करना चाहिए। ये एक शब्द है शरदीय विरेचन। शरदीय विरेचन का जैसे कि ये शब्द में ही समाहित है कि शरदीय विरेचन। शरदीय विरेचन मतलब इस मौसम में, इस ऋतु में की जाने वाला जो विरेचन है वो शरदीय विरेचन है। तो मेरा छोटा सा एक जो विषय है शरदीय विरेचन, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में शरदीय विरेचन का अपना महत्व होता है। और विरेचन क्या होता है, विरेचन होता है, मैं अगर इसमें इंग्लिश में बात करूँ कि थेरापेटिकली इंड्यूसिंग डायरिया थेरेपी। तो बेसिकली हमने जो है वो लूज मोशन लगवाने हैं, वो मेडिसिन से हम लगवाते हैं उसको, और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये होता है कि हमारे शरीर में जो प्रकोपित पित्त है वो शांत हो जाता है। इसको इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ा कोई तालाब है और तालाब में पानी भरा है, वो पानी को अगर हम शरीर में समझें तो इतने भारी मात्रा में अगर हमारे शरीर में अगर दोष प्रकोपित हैं तो उस दोषों को हम कैसे शरीर से बाहर निकालें वो हम तालाब के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब तालाब को अगर हमने वो पानी अगर कोई एक कुहल वहाँ से निकाल के उसको पानी को अगर निकाल दें तो बहुत भारी मात्रा में जो है पानी निकल जाता है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत जो पानी बचता है उसको धूप से या किसी चीज़ से जो है सुखा दिया जाता है। सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी में होता है कि आजकल इस शरद ऋतु में जो पित्त का प्रकोप हमारे शरीर में हो जाता है उसको हम विरेचन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वो विरेचन है, हम इसको शरद ऋतु में जो है वो अपनाना चाहिए। आप, मैं बार बार ये दोहराना चाह रहा हूँ कि हम जो है वो अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक का जो समय है वो शरद ऋतु है। इस बीच में बहुत सारी बीमारियाँ पित्त की वजह से होती हैं, विशेषकर स्किन डिसऑर्डर्स, हमारे त्वचा संबंधी जो विकार हैं, सोरेसिस है, बहुत सारे लोगों को खुजली, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, फिंसियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इन बीमारियों से निजात पाने के लिए, रक्त दुष्टि साथ में होती है पित्त की वजह से, तो इस बीमारियों से निजात पाने के लिए जो है वो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है विरेचन। तो विरेचन जो है वो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि विरेचन हम कैसे करते हैं। तो विरेचन जो है वो इस ऋतु में करवाता है एक कुशल जो वैद्यराज हैं, जो चिकित्सक है, वो विरेचन को रोगी को जो है वो करवाता है और उसको पित्त की जो दुष्टि है उससे जो है वो उसको आराम दिलाता है। तो मैं आज की इस चलचित्र में ज़्यादा मैं नहीं आपके साथ चीज़ें साझा कर पाऊंगा, फिर भी जितना मैं आपको एक ले मैन के तौर पे मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि शरद ऋतु है, इस ऋतु में पंचकर्म का जो एक मुख्य चिकित्सा कर्म है वो है वमन, और इस वमन सॉरी विरेचन, विरेचन को जो है वो हम इस ऋतु में हमें करना चाहिए, और जिससे कि हमारा जो प्रकोपित जो पित्त है और पित्त दुष्टि है उससे हम जो है वो शांति पाएं। और समय समय पे जो है वो हर ऋतु में हर पंचकर्मा का महत्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आपको ये आज का भी मेरा ये संभाष जो है ये पसंद आया होगा। अगले चलचित्र में मैं एक बार पुनः आपसे रूबरू होऊंगा किसी और विषय को लेके। ऋतु दर ऋतु जो हमारे दोष हैं और दुष्य हैं और उनमें क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, पंचकर्म की कौन सी चिकित्सा कर सकते हैं, उस विषय को लेके मैं आपके समक्ष समय समय पर आता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय भगवान धन्वंतरि।